जो बहुत बार बार पूछा जाता है कि हमारे कोई गुरु हैं या थे पर अब आपको हम गुरु की तरह देखना चाहते हैं तो क्या ये संभव है कि किसी के दो गुरु हों अब इसका आसान उत्तर ये है कि दत्तात्रेय महाराज के 21 गुरु थे अब वहाँ जहाँ से शिक्षा उनको मिलती गई वो उसी को गुरु आदर देते हुए गुरु स्वीकार करते हुए सम्मानित करते हुए तो दत्तात्रेय महाराज के अनेक गुरु पर फिर यह भी सत्य है कि लोगों को यह भी मालूम नहीं कि गुरु मतलब होता क्या है बहुत विस्तार में ना भी जाऊँ तो दो बातें इसमें आप समझिए कि लोगों को चूंकि इसका ज्ञान नहीं है कि गुरु का अर्थ क्या होता है और गुरु होना चाहिए ये भारतवर्ष में सबको पता है इसलिए जो मंत्र दे दे वही गुरु और मंत्र लेना गुरु बनाना हो गया उसका इक्वलेंट हो गया फिर कईयों ने कहा कि अगर हमसे मंत्र लेंगे तो आपको मरने के बाद सीधे सचखंड में एंट्री मिल जाएगी ये गुरु ज़रा ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं क्योंकि आपको गारंटी मिल रही है मरने बाद सचखंड होगा तो अधिकतर लोगों को जहाँ कुछ करना ना पड़े और गुरुजी आश्वासन दे दें ऐसे वो गुरु बहुत अच्छे लगते क्योंकि गुरु ही तो बनाना है तस्वीर घर में टांगनी है बाकी तो कुछ करना है नहीं थोड़ा बहुत बेसिक दो चार रूल वो दे देते हैं उतने रूल फॉलो करने किसी को मुश्किल नहीं है और मरने उपरांत का जो ये प्रॉमिस है ये जो आश्वासन है बहुत बड़ी चीज़ होती लेकिन अगर धर्म जगत में मैं जाऊं तो धर्म जगत में जो तुम्हें मंत्र देवे वो मंत्र गुरु जो तुम्हें योग सिखावे वो योग गुरु अब जब योग गुरु आया तो आसन प्राणायाम मंत्रिकाला धारणा ध्यान ये सब कुछ वो सिखाए तो योग गुरु लेकिन वेदांत ज्ञान में हम कहते हैं अज्ञान अंजन शला कया मिलितम ये न तस्में श्री गुरु वे जो मेरे अज्ञान को दूर कर देता है ज्ञान का ये अंजन ज्ञान की ये शलाका मेरे बुद्धि में लगा करके मुझे उस ब्रह्म विद्या को प्रदान करता है मेरे अज्ञान को जो दूर कर देता है ऐसे सदगुरु को मैं बहुत आदर और प्रेम पूर्वक नमस्कार करता हूँ अब प्रश्न ये है कि आप खाली मंत्र लेके खुश हैं तो मंत्र गुरु बहुत है फिर तो। और अधिकतर मंत्र लेने वाले मंत्री लेते हैं उसके बाद कुछ करते भी नहीं है और कभी कभी थोड़ा बहुत कर लिया तो कर लिया दूसरा आता है योग गुरु हम यहां पर थोड़ी कड़ी मेहनत हो जाएगी गुरु के पास जाएगा तो ही सीखेगा ना आसन कैसे प्राणायाम कैसे और अज्ञान का तो ज्ञान ही नहीं है लोगों को तो अज्ञान निवृत्ति की इच्छा ही नहीं है फिर अज्ञान है इसका भी तो ज्ञान होना चाहिए यहां मंत्र से लोग खुश हैं थोड़ी सी कुछ योग की क्रिया करके खुश हैं थोड़ा सा श्वासोश्वास देखने में लोग खुश हैं उसके बड़े लाभ हैं उसका कोई हम खंडन नहीं कर रहे उनकी अपने बड़े जबरदस्त लाभ होते परंतु आपके मन बुद्धि में जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति नहीं होती है परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है इसका ज्ञान भी नहीं होता है तो परमात्मा के बारे में धारणाएं हैं जो अलग अलग मजहब अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग होंगी कोई ये मानता है कोई बी कोई सी कोई डी कोई ई e मानता है और फिर वो लड़ते भी हैं इस बात से कि जिसको मैं मानता हूँ वही सही है बाकी सब गलत है मजहबों के झगड़े इसी से तो है ना अज्ञानियों के झगड़े होते हैं ज्ञानियों के यहां कोई झगड़ा नहीं होता तो यह संभव है कि मंत्र गुरु कोई और रहे और ज्ञान गुरु कोई और हो बिल्कुल संभव है पर जिन लोगों ने गुरु डम चला रखे हैं, मतलब गुरु वक्त, गुरु नाम की दुकान जो लोग चलाते हैं वो कहेंगे नहीं एक बार जो गुरु हो गया बस वही गुरु है उसके बाद तुम कहीं नहीं जाना क्योंकि कहीं चले गए और कहीं ज्ञान वचन सुन लिए तो हमारी ही पोल पट्टी खुल जाएगी इसलिए वो कहते हैं पति एक होता है ऐसे गुरु एक होता है माने अब पति और गुरु को इक्वलंट कैसे बना दिया आपने और अगर पति भी मान लें तो फिर पतियों के भी डिवोर्स हो जाते पत्नी या पति फिर कोई नया साथी ढूंढ लेते कईयों के तो तीन तीन चार चार शादियाँ तीन तीन चार चार डिवोर्सेस हो जाते लेकिन जो बहुत रूढ़ीवादी लोग हैं ना वो अक्सर ये कह देते हैं और कई कईयों के तो यहाँ शपथ दिलाई जाती है कि हमारे अलावा किसी दूसरे को देखना नहीं सुनना नहीं जाना नहीं आना नहीं पाप लगेगा तो पाप से तो लोग ऐसे डर जाते और सो uh, so, मंत्र गुरु से मंत्र मिलेगा योग गुरु से योग मिलेगा और ज्ञान गुरु से अज्ञान की निवृत्ति आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान सृष्टि का ज्ञान तो अज्ञान के इस पर्दे की निवृत्ति जो है सो तो ज्ञानी गुरु से होगी कबीर साहब जैसे वो ये नहीं कभी कहते हैं कि मुझे गुरु मिले और वो हमेशा वंदना करते हुए कहते हैं कि ज्ञानी गुरु हो पाए हों मैं ज्ञानी गुरु को मिला हूँ सबे ब्रह्म चुकाए हों मेरे सारे भ्रम दूर हो गए ज्ञानी गुरु हो पाए हों सब भ्रम चुकाए हो सब मेरे भ्रम दूर हो गए माने मैंने अज्ञान की निवृत्ति हो गई है तो अगर कोई अपनी किसी एक क्रिया से किसी एक प्राणायाम से किसी एक ब्रीदिंग टेक्निक को करने से प्रसन्न है संतुष्ट है बहुत अच्छी बात है किसी को सिर्फ मंत्र मिला है वो मंत्र या ये आपका देव है तो इस देव की पूजा करो ये उसका मंत्र है कई लोग उसमें बहुत संतुष्ट हैं वो भी ठीक है सवाल ये है अगर आपकी संतुष्टि हो गई है तो जहाँ भी हो गई है अब वो झूठी है कि सच्ची है ये एक अलग विषय है पर संतुष्ट हो तो रहो संतुष्ट तो अज्ञान निवृत्ति का अगर लक्ष्य है तो फिर श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ गुरु चाहिए कबीर जी का एक बड़ा सुंदर और पद है वो कहते हमारे गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी हमें तो ब्रह्मज्ञानी गुरु मिला है मंत्र गुरु नहीं कह रहे वो योग गुरु नहीं कह रहे वो हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी सबह चुकानी की कीटानी हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी तो कईयों के ऐसा संभव है कि मंत्र गुरु कोई और हो योग गुरु कोई और हो और फिर ज्ञानी गुरु कोई और हो तो शास्त्र अनुसार उसमें कोई आ, बुरी बात नहीं है कोई अनाचार की बात नहीं है जिसके पास जो था उसने वो तुम्हें दिया अब प्रश्न यह है कि आपकी तलाश क्या है तो जो आपकी तलाश है तो फिर उसके तद अनुसार आपकी आवश्यकता पूर्ति के लिए फिर वैसे गुरु की जरूरत होगी एक तत्ववेता ही तत्व ज्ञान दे सकेगा एक ब्रह्म ब्रह्मविद ही तुम्हें ब्रह्म बोध दे सकेगा जो स्वयं ब्रह्म बोध ही नहीं है वो तुम्हें ब्रह्म का बोध कैसे देगा सो so, गुरु शब्द का अर्थ अगर हम बिल्कुल शब्द चले तो जो अंधकार को दूर करता है सो so गुरु तो अंधकार किसका अंधकार माने अज्ञान ना जान ना अज्ञान ना जानना आप अपने आप को देह जानते और मानते हो ये सत्य नहीं है आप वास्तव में कौन हो जो ये तुम्हें बोध कराए वही तत्वज्ञानी, वही ब्रह्मज्ञानी गुरु हुआ अब बिना इस तत्वज्ञानी गुरु के आत्मबोध या अपने स्वस्वरूप की पहचानी कैसे होगी प्राणायाम से मन टिक जाएगा जरूर धारणा करेंगे मन एकाग्र हो जाएगा बहुत अच्छे से धारणा की सिद्धि हो गई तो समाधि भी हो जाएगी बहुत अच्छे से परंतु आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध इससे नहीं होगा परमात्मा और मैं अलग हैं या परमात्मा और मैं एक हैं आत्मा का मेरा स्वरूप क्या है परमात्मा का स्वरूप क्या है हम दोनों के अंदर डिफरेंस है कि हम दोनों एक ही है ये यूनिफिकेशन क्या है अब ये बिना तत्वज्ञानी गुरु के संभव नहीं होगा तो प्रश्न ये है कि आपकी खोज क्या है आपकी इच्छा क्या है आप चाहते क्या है पर जब ये भी ना पता हो कि हम चाहते क्या है तो फिर तो चुपचाप कुछ दिन मुझे सुन लो और विशेष करके भगवत गीता गीता में जो विस्तार से बात हुई, हुई है संख्य योग की भक्ति योग की कर्म योग की तत्व ज्ञान की ये चारों विधाओं का विस्तार से जो एक्सप्लेनेशन uh, है जो तो श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है उसको मैंने समझाया तो आप चारों विषयों को अच्छे से समझ सकते हैं इसलिए मैं पुनः पुनः बार बार कहती हूं कि भगवत गीता बहुत आवश्यक है समझनी क्योंकि इस छोटे से ग्रंथ में गागर में सागर तो आपको मूलतः संख्य योग क्या है और कर्म योग क्या है और भक्ति योग क्या है और ज्ञान योग क्या है और निष्काम कर्म योग क्या है ये सब चीज़ें जब स्पष्ट हो जाती है देन यू आर फिट टू मेक राइट चॉइसेस